हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार। आज हम खेल रहे हैं यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2। लास्ट इवेंट होगा ये, हमारा लास्ट ट्रिप होगी हमारे जिनोवा ब्रिज इवेंट का, और मैं आपके लिए एक स्पेशल ट्रिप करना चाहता हूं। तो आज हम मोबाइल क्रेन लेके जाएंगे, रेक्स टेक्स 45। आई थिंक ये 36 टन्स की है, 487 किलोमीटर की ट्रिप है लिवोर्नो से जिनोवा। हमारा एक आखिरी ट्रिप रह गया था जो था CDESRLO वेस्ट वाला। तो चलो डिलीवरी बिगिन करते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, एंड इसके बाद होपफुली वी विल हैव आवर स्किन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आज रेनॉल्ट टी हाई स्वीपर सोचा है लेने के लिए। नॉर्मल कार्गो के लिए इतना अच्छा नहीं है, हैवी कार्गो के लिए भी बीच में है, मे बी नॉट द बेस्ट थिंग, बट स्टिल मैं जरूर लूंगा, ट्राई करूंगा। मैनेवरेबिलिटी यानी कि घूमने के लिए, हिल ट्रेवर्सल के लिए, बाकी सब के लिए आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक है। अनइवन टेरेन के भी ठीक है। अब देखते हैं कि ये 36,000 किलो वाला लोड कैसे उठाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सिंक्रोनाइज कर रहा है, तब तक प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शाउट आउट थोड़ी देर में मैं देता हूँ। मे बी ये वीडियो आधे घंटे की बन जाए, आई एम नॉट इवन श्योर, बिकॉज लोड ज्यादा है और ट्रक हमारा रेनॉल्ट का है। तो देखना आप हमारा ट्रक मतलब क्या डिफरेंस है इसमें। और उसी के साथ साथ अभी तो हमने ट्रेलर लेने जाना है, तो मे बी इट इज लाइक 100-200 किलोमीटर अवे, 40 किलोमीटर बस। ओह वाओ, लेट्स सी द ट्रक। तो ये रहा आपका रेनॉल्ट टी हाई स्लीपर। मैंने इस पे क्या करा है, अगर मैं लाइटें ऑफ करूँ तो बेसिक लगता है, बट मैंने फिर ये ऊपर और नीचे LEDs लगाई हैं, रेड, यहाँ राइट में भी, सामने भी, सब जगह, और काफ़ी शानदार। इसका जो स्किन है ये भी अच्छा लगता है, कंस्ट्रक्शन टाइप्स वाला, हैवी लोड वाला, एंड आई थिंक टैग लिफ्ट है जी हाँ। अगर आप यू दबाओगे बटन तो आई थिंक आपका पीछे वाला व्हील ऊपर हो जाता है, जैसे आपने देखा। नीचे करना है तो यू दबाओ, नीचे हो गया। ये मैन्यूवरेबिलिटी के लिए होता है, टर्न वन आसान हो जाते हैं। सो लेट्स टर्न दिस ऑफ एंड लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप। फ्यूल की कोई चिंता नहीं है भाई, भरा पड़ा है, नया नया ट्रक लिया है मैंने अभी क्या होता भाई, अभी तो बड़ा मजा आएगा चलाने में। जब लोड आ जाता है तो भाई साहब रोना आ जाता है। जिनोवा, आधे से ज्यादा टाइम तो मैं ये सोचने में लगा देता हूँ कि जिनोवा बोलना है, समझ ही नहीं आता। समझू, अरे इसकी अगर आप देखोगे तो सीट बेल्ट भी रेड है भाई। अपुन कैसा है? अरे अपुन को तो अपने आपको देख नहीं सकता, कोई बात नहीं, विंडोज खोल देता हूँ एक बार। ओके, टर्न आ गया तो मैं थोड़ा स्लो हो गया। ये कहाँ है हम? पोंटे डे रा। इनसे भी लोड नहीं है तो चलाना थोड़ा आसान होगा, आप स्पीड में भी चला सकते हो। मैंने देखा अराउंड 3-3 लाख ट्रिप्स हो चुकी हैं ओ वेस्ट ईस्ट दोनों साइड के लिए, अराउंड आई थिंक 6 लाख हो गई हैं, 4 लाख और इवेंट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ, क्या जब मैंने ये 12 ट्रिप्स कर ली इसके बाद आप चाहते हो कि मैं और ट्रिप्स करूं स्पेशल इस इवेंट के लिए, या फिर नहीं बाकी वापस अपना वो जो ट्रक ट्रिप उठाते थे स्पेशल कार्गो वगैरह वगैरह वो उसकी ट्रिप करनी है? आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करूं मैं नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे जैसे ये इवेंट के हमारे 12 ट्रिप्स हो जाएंगे, इसके बाद हमें बाकी गेम्स जो हम खेलते हैं जैसे अमेरिकन ट्रक एंड स्टफ, उसके भी हमने वीडियोस को लाइन में रखना है। काफ़ी टाइम हो गया खेले हुए, और अभी जब मैं शॉर्ट आउट दूंगा तो आई थिंक वहाँ भी पक्का कमेंट्स होंगे जहाँ लोग पूछ रहे होंगे कि भाई अमेरिकन ट्रक से भी डर है। अरे भाई ये कहाँ आए हम? ओहो
कूल 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 लिबे युआ। ओके, तो हम यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं इस जगह पर, तो नया जगह एक्सप्लोर कर दियो हमने। यो, दरवाजा खोल ले भाई, जल्दी खोल। वो रे हमारा ट्रेलर। लेट्स गो। ट्रेलर दिखा दूं एक बार आपको, ये देखो भाई। चलो भाई करो अटैच। कैटरपिलर ये भी चला लें। ये सॉलिड। चलिए भाई प्लीज हमें निराश ना करें। कंजम्पशन फ्यूल की जो हमारी एवरेज है वो इतनी गंदी हो जाएगी बिकॉज वेट इज टू मच एंड वी कैन नॉट इवन पुल इट। आई थिंक ट्रैफिक तो यहाँ आएगा नहीं ना, तो टर्न तो हम अपने तरीके से ले लेंगे मजे से। खाली पड़ी है रोड, बहुत गंदे टर्न लिए मैंने, बट इट्स ओके मैन, मुझे एक स्टेडी ग्राउंड पे पहुंचने दो, उसके बाद मैं शॉर्ट आउट्स दूंगा। स्टे ट्यून्ड, आई थिंक एपिसोड नंबर 5 या 6 होगा ये जिनोवा ब्रिज के सीरीज का, जिसमें से मैं शॉर्ट आउट्स दूंगा। आई थिंक एपिसोड 4 और 5, नॉट इवन श्योर। 6 तो मैन ट्रक का था शायद, क्योंकि हमने काफ़ी ट्रक्स ट्राई कर लिए है। हमने वॉल्वो, मर्सिडीज, स्कैनिया, मैन, डैफ और रेनो, बेसिकली एक रह गया था और वो था आईवीको। आई थिंक आईवीको नहीं ट्राई करा हमने, बाकी आई थिंक वी गुड। सो लेट अस बिगिन विद द शाउट आउट्स। कौन से एपिसोड से आएगा? एपिसोड नंबर 3 से। ओ माय गॉड, इतने पीछे रह गए। ओ राइट लेना है, धीरे हो जा चाचा। ओ चाचा, ओके। सो शॉट आउट नंबर 1 गोज टू, अच्छा उसमें मैंने मर्सिडीज वाला चलाया था, न्यू एक्ट्रॉस MP5 जो भी है, बहुत मस्त ट्रक है, 2019 वाला। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखो, एपिसोड नंबर 3 ऑफ वर्ल्ड ऑफ ट्रक्स इवेंट ऑपरेशन जिनोवा ब्रिज, मजा आ जाएगा। ट्रक इज वेरी नाइस। हाँ तो कमेंट्स पे था एंड डिविएट हो गया, क्या था कमेंट? ओके, सिप्टेन राजा फिराज था, सुपर, ओके थैंक यू। गेमिंग मास्टर देव, क्या बोला इन्होंने, रियल में भी ये ट्रक है? हाँ भाई, ये जो मर्सिडीज का ट्रक था ये एक्चुअली असली में भी एक ट्रक है। आई डोंट नो प्रोटोटाइप है या कुछ, या बट गूगल करोगे अगर आप मर्सिडीज बेंज 2019 या मर्सिडीज बेंज एक्ट्रॉस 2019, तो आपको वहाँ पर काफ़ी प्रोटोटाइप्स इमेजेस मिल जाएंगी, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स करे हैं ट्रक में, जिसमें उन्होंने डिजिटल स्टफ ज़्यादा डाल दिया है। साइड में जो तो मिरर होते थे वो हटा दिए हैं, जैसे आपने देखा होगा मेरे एपिसोड में। नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो यार, इस चैनल पर कर क्या रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट किड गेनर क्या कह रहा है भाई? प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन ETS2 #ETS2 Hindi 2020, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स। देखो भाई, टिप्स तो उनसे ली जाती है, उनसे ली जाती है जो ज़्यादा आगे चले जाते हैं ना। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? वो ये बंदा कहाँ से आया? अरे देखना कोई पीछे जाके, ये ट्रक मेरे सामने रुका है, मैंने चेक ही नहीं करा। एनीवेज देखो, मेरे तक खुद के 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। अरे भाई प्लीज हिलियो मत, बच गए।
तो मैं खुद इवन तो लोगों से पूछूं इस टाइम पर तो कि भाई कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाऊं या कैसे इंगेजमेंट करूं, तो आई थिंक मेरे से ही पूछना इतना सही नहीं है। बट मैं तो ये आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि प्लीज़ जो भी आप काम कर रहे हो कंसिस्टेंट रहो, भूल मत जाओ कि आपने वीडियो बनाई। कभी कभी ये होता है कि हाँ लाइक कमेंट व्यू नहीं आ रहे, मतलब आप जिसके लिए वीडियो बना रहे हो वही नहीं देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा भाई फिर पॉइंट क्या है वीडियो बनाने का। हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा फील होता था कभी कभी, अभी भी होता है। बट आई एम लाइक ओके, जब तक फन है तब तक ट्राई करते हैं, अगर नहीं चलेगा और लग रहा है कि एफर्ट ज़्यादा डल रहा है लेकिन लोग इतना एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं वीडियो के साथ, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। ये ऑप्शन बनता है ना, आप ट्राई करते रहो। सो बेस्ट इज़ टू मेक कीप मेकिंग वीडियोस अलग अलग टाइप्स की एंड स्टफ, जस्ट हैव फन, क्योंकि मज़ा आना चाहिए। ज़बरदस्ती कर रहे हो ऐसे वाली फीलिंग आएगी तो कभी सेटिस्फैक्शन भी मिल नहीं मिलेगा। सो नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, एंजॉय। नेक्स्ट कॉमेंट है अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर बाय करण घुमन। अरे भाई साहब आएगा आएगा, फिर ये ख़त्म होने दो। आई डोंट नो ये आप लोगों ने अभी कमेंट करा है कि नहीं कि आपको ऑपरेशन जिनोवा ब्रिज की और वीडियोस से ही अलग अलग ट्रक के साथ या फिर आपको नॉर्मल वीडियो से ही, लेट मी नो बाई कॉमेंटिंग एंड देख लेंगे उस हिसाब से जितना लोग बोलेंगे हम वही कर देंगे। लेकिन अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर की वीडियो हैं एक दो मैं बना रखी हैं बहुत पहले की, बट डाल नहीं पाया बिकॉज बिजी था इसमें। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? ओह तेरी, थोड़ा लैग कर रहा है गेम, मे बी बिकॉज फर्स्ट टाइम इस तरफ से आ रहे हैं। बट हम फ्लोरेंस से तो पहले आ चुके हैं, फिर का एक ऐसा हो रहा है। यार ये टनल से ना मजा आता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटो गेमर। प्रो SISL मेगा पैक मॉड यूज करो और ट्रक को कस्टमाइज करो। यार ये मैंने SISL जो डाला हुआ है बट मैं मॉडिफाई से नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा खलेरा यानी कि मेस्ड अप चीज़ें नहीं पसंद, मेसी चीज़ें नहीं पसंद। बहुत मेसी होता है ना तो मज़ा ही नहीं आता। मान लो यहाँ पे मैंने वो कारपेट सा लगा दिया, वो हैंगिंग लगा दिया, जो भी सामान होता है स्पॉन्ज वॉप वगैरह, तो नहीं आप लोगों को पसंद है ऐसी चीज़ें, या फिर आपको ये स्टॉक ट्रक पसंद है जिसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा चमचमाता चिकना ट्रक, कैसा अच्छा लगता है भाई बताओ कमेंट करके। फिर है भाई प्रोटो गेमर का एक और कमेंट, ब्रो ओनली एड ऑन मॉड रिमूव करो, एग्जांपल रियल यूरोपियन कंपनी, जो भी एड ऑन है वो रिमूव करो। रियल यूरोपियन कंपनी भाई मैंने तो नहीं डाला भाई, गलत जगह तो नहीं कमेंट कर दिया प्रोटो गेमर। एनीवेज एपिसोड 3 एपिसोड 4 पे भी देख लेते हैं, अगर किसी ने कमेंट करा होगा तो उसमें हमने मस्त कैनिया का ट्रक बस जगह से उठाया था, पता नहीं आप लोगों ने वो भी देखा है कि नहीं। और ये मस्त लैग करते हुए हम जा रहे हैं, टनल के अंदर थोड़ी शांति मिली बिकॉज अंधेरा है। 8 कमेंट्स, ओके। तो पहला शाउट आउट गोज टू नितेश ध्रुवे, थैंक्स ब्रो फॉर कैनिया, यू आर मोस्ट वेलकम। किड गिनर, ब्रो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ओपन माई चैनल ऑन ETS टू, प्लीज गिव मी सम टिप्स। अच्छा तो सेम कॉमेंट आ गया भाई, बता दिया जहाँ से सुन दो। सौरभ कोडकर, भाई वो गियर इंडिकेटर और टाइम स्पीड एक लाइन में कैसे करते हैं? भाई स्टीम पर एक मॉड है जिसका नाम है डैशबोर्ड आई थिंक, या गाइड समथिंग समथिंग गाइड, हाँ ट्रेंड हिल शायद बंदे का नाम है, हेम हिल पता नहीं कौन सा नाम है, उसका मॉड उठा लो और आपको ये लाइन मिल जाएगी। F3 से दबाओगे तो आपका मोड चेंज होता है। तो एक वीडियो भी बनाया हुआ है यार, अब आप लोग नहीं देखते हो ना पूरी वीडियो तो यही प्रॉब्लम होता है, आप लोग मिस कर जाते हो कि मैं कब किसकी बात कर रहा हूँ। रूट एडवाइज़र है, रूट एडवाइज़र है नाम है समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट पुनलिक दवाने, ब्रो आई लाइक योर वीडियो एंड शाउट आउट टू हर्ष दवाने। ब्रो हर्ष दवाने जो भी है नाम आपका, हर वीडियो में सिम सिम कमेंट क्यों आता है मेरे पास, कोई बात नहीं। टेक गेमर्स टैग, ब्रो प्लीज प्ले CS:GO। अरे भाई मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अच्छा कैसे बनाऊँ ऐसी वीडियो पे, ऐसी गेम पर वीडियो जिस पे आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। गुजरात सेवक केंद्र, थैंक्स ब्रो फॉर शाउट आउट, मैंने स्टीम से इटालिया DLC बंडल 162 रुपीज में बाय किया है फॉर ऑपरेशन जेनोवा ब्रिज। अरे भाई ये देखो ये होती है ट्रू डेडिकेशन, बंदे ने भाई पूरा DLC ही खरीद दिया बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले दिस स्पेसिफिक थिंग। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा,
एक मिनट रुक जा, ये 293 किलोमीटर कह रहा है हमें। एक बार वर्ल्ड मैप पे जाके देखें कहीं हमें उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है। हमें जाना कहाँ है पहले ये देखते हैं। हमने वेस्ट जाना है ना, वेस्ट तो 293 की किलोमीटर की ट्रिप पे ही हमें उल्लू तो नहीं बना रही है। ओके, यहाँ ऐसे जाना। ओ माय गॉड, यू सी दिस। हम सीधी SRL ईस्ट नहीं जाना था, ओवेस्ट ही जाना है जो सही जा रहे हैं, बट यहाँ पे सिंस ये बना नहीं हुआ है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा बिकॉज हमने ये बनाना है ना। सो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ट्रैफिक जाम कर दियो क्या हमने? दिखाओ। ओ भाई लैग नहीं करना। ट्रैफिक जाम कर दिया। ए मर्सिडीज स्प्रिंटर स्प्रिंटर हमसे आगे जाएगा, हमसे आगे जाएगा। वैसे इट्स नॉट बैड, जैसे लग रहा था ना कि हैवी। ओ भाई साहब अब लग रही है ना, बैंड बज रही है। ओ भाई साहब 8 गए रे, सच्चे 8 गए। तो इसमें क्या है, हमने ना हैंड ब्रेक लगाओ, हमने डिफरेंशियल लॉक नहीं कॉन्फ़िगर किया। जब आप थोड़े हल्के ट्रक लेके जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप पिक नहीं कर पाते ना, तो आप ऑप्शंस पे जाओ, कीज एंड बटन्स पे जाओ, और यहाँ डिफरेंशियल लॉक कहीं लिखा होगा। ये देखो ये भी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो मुझे एक्टिवेट करना है, तो एक इसको मुझे कमांड देनी पड़ेगी। कौन सी कमांड यूज़ नहीं करता मैं? आई थिंक जे नहीं यूज़ करता मैं। लेट्स सी, अगर आप कोई जे से यूज़ करते हो, जे से लाइट ऑन है। ओ वेट, लाइट ऑन। ओ अच्छा हाँ, जे भी ज़रूरत है। एफ से क्या करते हैं? हैजर्ड वार्निंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट पे क्या है, अब वी से हम लिफ्ट ड्रॉप ट्रेलर एक्सल करते हैं, हम इतना छेड़ते नहीं है। तो लेट्स गो टू डिफरेंशियल लॉक और क्लिक ऑन वी। तो अब डिफरेंशियल लॉक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखना है, ड्राइव पे जाओ, ठीक है। पहले अपनी हैंड ब्रेक हटाते हैं, ट्रक पीछे नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं चल रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है। वी दबाते हैं, डिफरेंशियल लॉक देखो एक्टिवेट करा है मैंने, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है। यू सी दिस, ये देखो, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। अंदर से कैसे पता चलेगा डिफरेंशियल लॉक एक्टिवेटेड है कि नहीं, वो मुझे भी नहीं दिख रहा। अब तो मैजिक स्लो मोशन में वो भाई कहाँ चले गए हम? और यहाँ स्पीड बनी है हमारी, देखते हैं कितना ट्रैफिक बनाया होगा। लेट्स सी कितना ट्रैफिक बनाया रे कालिया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तो बेसिकली हम इतना ट्रैफिक बना के आए हैं, पर ये चल कैसे रहा है? ओ भाई साहब, ट्रैफिक के अंदर से जा रहे हैं हम।
ओके ओके डोंट वरी, आई एम लीविंग बॉस। चलो मजा आ गया। नेक्स्ट किसका कमेंट है? लेट्स रीड दैट। सो नेक्स्ट वी हैव विवेक कुमार। स्कैनिया ऑसम ब्रो, बेकार इंडोर गेमर। हाय हेलो बेकार इंडोर गेमर। ये किसी का यूजर नेम है, डोंट वरी, मैं किसी को बेकार नहीं कह रहा हूँ भाई। लाइक करके जा यार। डिफरेंशियल कैनॉट बी लॉक स्लो डाउन द ट्रक। अच्छा, इसका मतलब है अनलॉक है। Does that mean कि unlocked है या नहीं? Unlock ही होगा क्योंकि lock नहीं कर सकते। Maybe. Struggle is real, bro. Struggle is real. I just realized हमने 900 subscribers cross करके 936 पे पहुंच गए। Oh my god. डिफरेंशियल लॉक का भी कुछ पता चलना चाहिए इसमें। अभी मुझे लग रहा है कि हमारा डिफरेंशियल लॉक कहीं लगा हुआ है। 63 किलोमीटर पर आवर पे क्या चल रहा है? ओ भाई, हैवी लोड भी तो है। ट्रैफिक देखो पीछे से इतनी तेज आ रहा है ना, फुर्र करते करते सबको बीट करते करते जा रहा है। अभी हम पता है कहाँ से आए हैं? फ्लोरेंस से आए हैं और हम ट्यूरिन की तरफ घूम के, बताओ ये तो हाल है भाई। चलो भाई राइट लो, टोरिनो, ट्यूरिन टोरिनो। एक्सप्लोर करते हुए तो लेफ्ट में देखें, ओला रोड तो खैर एक्सप्लोर हो गई। अरे नहीं भाई, पलटेगा पलटेगा पलटेगा। ओ भाई पलटेगा पलटेगा। ओ विली 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 विली। ओ विली 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 विली। ओ हो 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 विली विली विली। ओ हो विली विली। ओ बच गए बच गए बच गए। सनरूफ बंद है। But it exists, I think. Renault trucks का यहाँ पर लेबल लगा हुआ है T520। अरे हाँ, 520 हॉर्स पावर का ये ट्रक है, अगर मैं बताना भूल गया। हमारा ड्राइवर थक गया इतनी मेहनत करके कि अभी उसको नींद आ जाएगी, तो वी हैव टू मूव फास्ट एंड डिलीवर दिस। एंड होपफुली अगर हमें इस एपिसोड के बाद ही स्किन मिल गई तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक और चीज, ATS का वर्जन 1.38 भी अदा नहीं आ गया, आने वाला है। अपडेट देखा मैंने स्टीम पर भाई, 1.37 का तो अभी ये अपडेट वो आया ही नहीं है गुडविक से, मल्टीप्लेयर वाला, और 1.38 की भी बातें शुरू हो गई। ऐसा हाल है भाई, क्या करें। 1.37 जब से हम आए हैं तब से हमें इसमें मल्टीप्लेयर मिला ही नहीं मौका, और बाई चांस ये इवेंट भी आ गया तो अब हम इवेंट में इतने घुल मिल गए हैं यू नो, ये हमें अब ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। सच बताऊँ तो पता नहीं आप लोगों को मल्टीप्लेयर वाली कैसी गेम प्लेज लगती थी, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक किसी ने बोला नहीं भाई ETS 2 MP तो खेला ही नहीं भाई। मे बी दैट इज़ द रीज़न, मे बी आप लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं उसमें। मे बी नॉट। बताओ भाई, बताओ। सही है, 200 किलोमीटर की जर्नी और रहेगी। आई थिंक 487 किलोमीटर की जर्नी थी, काफ़ी भी जर्नी है, फिर भी हम ठीक ठाक चल रहे हैं। जस्ट स्पीड लिमिट का मुझे ये है कि भाई 150 होता तो उड़ा उड़ा के ले जाता। मस्त लगते हैं। ओ भाई साहब, ओवरटेक कर लिया साइड वाले ट्रक को। वैसे अरे वो पीछे कैसे रह गया? खैर छोड़ो, हम पीछे देखते हैं तो हमारा ट्रक टूट जाता है। एक टर्न आ रहा है ट्यूरिन से लेफ्ट का, आई थिंक वो आगे से ही आएगा आफ्टर द टोल। ये अचानक से डार्क डार्क क्यों हो गया? सर ग्राफिक अभी तो ऐसा लग रहा दिन में खेल रहे हैं। ओ शाम के 5 बज गए गेम के।
भाई मैं ट्रक की लेन से नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम सुपर रिच। खोल दे रहे बाबा बस में। ओहो, धूम मचा ले, सब कंफ्यूज हो गए कौन निकलेगा कौन निकलेगा। और ये मौसम इतना हमें क्या बीट करा है। ओए, हमने राइट लेना क्या? हाँ, राइट लेना है। अभी मैं गाड़ी को उड़ाने वाला था राइट में, बट आई एम गिविंग द इंडिकेटर सो लेट मी गो। नहीं माने भाई, नहीं माना। ले खुश, मजा आ गया जल्दी टर्न लेके। मर्सिडीज का ट्रक ने काफी अच्छे से पिकअप लिया बिकॉज उसका आई थिंक लोड ज्यादा नहीं था। यहाँ पे ध्यान रखने का बिकॉज हमारा ट्रेलर थोड़ा फ्यूज है। अरे फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर रुक जाएगा ये। भगा ले भाई। ए बॉस रुकियो मत। वो भाई कांप रही है ट्रक। ए ठोका 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 ठोका। ए भाई ऐसे नहीं करते रहे बाबा। भाई रेक्स टेक्स, मैं टेक्स रेक्स बोलता रहा। फिर से टोल आ गया भाई। तुम सारे टोल ऐसा करो मुझसे चार्ज कर लो बिकॉज यू नो ना रिच है भाई हम। स्पीड कितनी करनी चाहिए? अराउंड 60 पे हो जाएगा। 50 40s पे हैं अब। खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे। बहुत सीधा भुप हो गया हमारा। लेट्स टेक अ लेफ्ट टर्न। इसी की बात कर रहा था मैं, ये काफी बार होता है। मस्ती लिया, मस्ती लिया। अगर आप लोगों के पास कोई मॉड है जो आप चाहते हैं मैं ट्राई करूँ वर्जन 1.37 के लिए, नॉट 1.36, 3.5, 3.8, 1.37 के लिए कोई है तो अगर नीचे कमेंट कर दिया करो या इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट मतलब फॉलो करके फिर मुझे मैसेज कर दिया करो, वरना रिक्वेस्ट मुझे पता नहीं चलेगा। तो @IndianBullionaire अब सोचूंगी ये क्या है भाई। एक्चुअली मेरा जो मेन चैनल है उससे कनेक्टेड है। ट्रक के लिए मैंने कोई स्पेशल इंस्टाग्राम नहीं चला रखा है बिकॉज इतना अभी मेरे पास डील करने का है नहीं कैपेसिटी और टाइम। तो एक ही है जो मैं चलाता हूँ अपने चैनल के, यूट्यूब चैनल के लिए, तो वही मैं यूज़ करता हूँ। बट आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे कॉमेंट सॉरी मैसेज करके बता सकते हैं कौन सा ट्रक मॉड ट्राई करूँ। एक दो क्या काफ़ी लोग हैं, आई थिंक अराउंड 5-10 हैं लोग जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब इस चैनल से भी, ये ट्रक गेमिंग वाले चैनल से। तो वहाँ से मुझे कमेंट करके बताते हैं, कई नए अपडेट्स आते हैं, कोई नया इवेंट होता है या कुछ हो मुझे बता देते हैं एंड फिर उनके बाद में ट्राई कर लेता हूँ मॉड्स भी। कभी कभी मॉड्स नहीं चलते हैं सो दैट्स दैट। Nice. और नीचे LEDs लगी हैं, फिर ध्यान दिया हो तो उनके चिमनीज जो लगी हुई हैं उनके ऊपर कलर है।
ऑलमोस्ट देयर 73 मोर किलोमीटर्स। हमारे ड्राइवर की तो बैंड बज रही थी, वो आवाज ही देना शुरू कर देगा फिर से, थक चुका है बॉस, क्योंकि उसने वो अपने ट्रिप देखी थी ना, जब हम चढ़ी जा रहे थे और हमारा ट्रक तो हिट ही नहीं रहा था। हम 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहिया घुमा रहे थे अपना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा सेटअप वगैरह को मिल जाएगा, इतना महान सेटअप नहीं है, बट जो भी है, आई मीन आई कैन प्ले दीज गेम्स हैं तो 2-4, तो दैट्स मोर देन एनफ। पता नहीं अपग्रेड करने का पॉइंट है क्योंकि देखेंगे, वो तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो फिर हम अपग्रेड करेंगे ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूँ किसी में, बट आई डोंट नो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ही चल पाएगा। इज़ा जेनोवा, चलो हम जाएं जेनोवा। अब स्पीड स्लो कर लो। ये जो मैंने अभी किया वो है डार्डर, इट इज़ समथिंग टू स्लो डाउन योर ट्रक फ्रॉम एक्सेलरेटिंग लाइक फरारी। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? पाँच बज गए हैं गेम में, रात के, शाम के, रात के, इमेजिन दैट यू आर गेटिंग टायर्ड। ओ भाई साहब, ऐसे मत कर, ये तो आंखें बंद कर। अरे भाई ऐसे मत कर, पहुँचा दे हमें जल्दी, पहुँचा दे, लैग मत कर, पहुँचा दे। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है मैं पावर सेवर पे खेल रहा हूँ? सीरियसली, कहीं मैं पावर सेवर पे तो नहीं खेल रहा? अब पता भी चलेगा। बस जस्ट ट्रिप इज अबाउट टू एंड, प्लीज़ जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो तब तक। एंड हम ये इवेंट, पहला इवेंट फॉर गॉड सेक हमने करा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द ETS2 कम्युनिटी। हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, यूजुअली हम तो मॉड्स चला चला के कुछ नहीं करते, और बस वही करते। सीधे जाना है हमने। हाँ, और भाई स्पीड में इतनी छोटी जगह से निकल गए भाई, बच गए। स्पीड देखो ट्रक की 98 हो रखी है, मजा आ गया। ओ भाई साहब, अरे पहुंच गया मैं, लैग मत कर, पहुंच गया। पहुंच गए रे। सही सलामत पहुंच गए। ओ भाई, एक बार ठोकने के बाद सुंदर, बहुत सुंदर। लेट्स फिनिश दिस अप बाय क्लिकिंग टी। ओके, यहाँ पर अभी भी सेम एनिमेशन दिखा रहे हैं, नथिंग हैज चेंज्ड। Beautiful, can't wait. Synchronize कर रहा है ये, and हमें पता नहीं कैसे पता चलेगा कि हमने पूरा event कर लिया कि नहीं। It should display on our ETS2 panel. Oh, बच गया, तो crash कर गया। $27,000 मिले हैं हमें, 1,00,000 XP as usual. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो personal goal completed. That means कि हमें क्या मिला है, आई डोंट नो कैसे पता चलेगा। इंडिविजुअल प्लेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटलीस्ट 6 लीव्स ब्ला 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 वर्ल्ड ट्रक एंड अ टेरिफिक न्यू ETS2 ट्रक टेरा कंस्ट्रक्टर पेंट जॉब स्टीम इन्वेंटरी आइटम। ओके, वी विल चेक दैट आउट एंड अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या क्या है। फाइनली ऑपरेशन जेनोवा ब्रिज की हमने 12 ट्रिप्स कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी कितनी, आई थिंक ये 6th-7th वीडियो है, देख ली है, बहुत बढ़िया, और चाहते हैं इस पे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।